हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल वनीला केक। इसे हम पार्टी टाइम केक भी कह सकते हैं, क्योंकि एकदम रेनबो, एकदम स्प्रिंकल, एकदम कलरफुल केक बना था। और इसे हमने बस 150 रुपीस में बनाया है प्रीमिक्स के साथ, जो बहुत ईजी और बहुत सॉफ्ट है। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ली हूँ विकफील्ड का कुकर केक, बट मैं इसे कुकर में बेक नहीं करूँगी, मैं इसे बेक करूँगी ओवन में। मैं ट्राई करूँगी कि ये कुकर केक ओवन में भी बेक होता है कि नहीं। तो ये 100 रुपीस का आता है, सो 100 रुपीस में तो ये बेस बन जाएगा और 50 रुपीस में हमारी पूरी डेकोरेशन हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे फाड़ के एक बोल में खाली कर ली हूँ, जिसमें हमें हमारा बैटर बनाना है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप ऑयल, कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल, और आधा कप दूध। मैंने आधा कप दूध ली थी, लेकिन मैं इसे ग्रेजुअली करके ऐड करूँगी और बीट कर लूँगी मैं इसे। और मैंने ना जो बॉक्स पे लिखा है ना इंस्ट्रक्शन, उसी के हिसाब से मैंने फॉलो करके ये बैटर बनाई हूँ। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जितने मेजर लिखे थे मैंने वो बनाई हूँ। और लेकिन मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड करी हूँ, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा नहीं था अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो। तो मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड करी और थोड़े से वनीला के ड्रॉप्स, और वापस से बीट कर ली। और आधा कप दूध मैंने पूरा ऐड कर दी थी, क्योंकि एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी थी। सो यहाँ पे देखिए बैटर रेडी हो चुका है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे मैंने ना ओवन को भी प्रीहीट होने रख दी थी 175 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने ली हूँ 6 इंच का केक टिन, उसे मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दी थी। और अब हम हमारा जो बैटर है वनीला केक का, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने बैटर तो ट्रांसफ़र कर ली हूँ, अब हम इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि जो एयर बबल्स है ना वो रिलीज़ हो जाए। तो अब हम इसे बेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ओवन भी प्रीहीट हो चुका है 175 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने रखी थी। तो अब हम हमारा केक टिन इसमें रख देंगे और इसे बेक करेंगे हम 30-35 मिनट्स। मैंने 30 मिनट्स बेक करी थी, क्योंकि 30 मिनट्स में ये परफेक्टली बेक हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं और मैं इसे खोल के चेक कर रही हूँ। तो मैं केक टेस्टर जो इंसर्ट करूँगी ना, तो वो पूरा क्लियर निकलेगा देखे। तो 30 मिनट्स एकदम परफेक्ट है। आप लोग के टाइमिंग्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, आप लोग कुकर में भी इसे बेक कर सकते हैं, क्योंकि ये कुकर केक की है और कुकर केक के लिए इंस्ट्रक्शन वो बॉक्स में ही दिए रहेंगे। सो मैंने यहाँ पे इसे ओवन से निकाल ली हूँ, अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी ये रैक पे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये केक बहुत सॉफ्ट बना था। मैं ऊपर से अगर आप लोग को ये देखिए टच करके बता रही, तो टच करने से मालूम पड़ेगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। और ये बेक भी बहुत अच्छा हुआ था। सो यहाँ पे देखिए मैंने ना 15 से 20 मिनट इसे छोड़ दी थी और ये ठंडा हो चुका है, और इसने अपने साइड्स भी कम्प्लीटली रिलीज़ कर चुकी है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा नाइफ से चेक कर लूँगी, ताकि कोई कोई साइड्स नहीं निकली हो। तो सो इसे ऐसा थोड़ा सा टैप करके, ताकि नीचे से भी लूज़ हो जाए, हम ओवन में प्लेट में इसे पलट देंगे। इसका जो पार्चमेंट पेपर है ना, वो भी निकाल लेंगे, क्योंकि एकदम इजीली पार्चमेंट पेपर निकल गया। और इसे अब हम पलट देंगे। पहले मैं दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है, नीचे से भी बहुत सॉफ्ट बना है, एकदम स्पंजी टेक्सचर आया है। सो इसे अब हम रख के इसके लेयर्स को डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने पहले ये ऊपर का जो क्रस्ट है ना, थोड़ा सा उठा हुआ है, वो उसे ट्रिम करके मैं निकाल लूँगी, ताकि एक इवन लेयर मिल जाए। तो अब मैं इसे इक्वली डिवाइड कर लूँगी टू लेयर्स में। मैंने केक लेवर यूज़ करी हूँ, क्योंकि इससे ना एकदम इजी पड़ता है, एकदम प्लेन डिवाइडेड लेयर निकलती है। तो यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से लेयर्स कट चुके हैं। अब हम इन्हें साइड में रख लेंगे और हमारे केक के क्रीम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ली हुई एकदम चिल्ड 1 कप व्हिपिंग क्रीम, और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच पाउडर शुगर, 2 टेबल स्पून। और अब हम इसे बीट कर लेंगे, जब तक के लिए स्टीफ पिक्स नहीं फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसे कैसे बीट करना है, स्टार्टिंग में हमें एकदम मीडियम स्पीड रखनी है, फिर जैसे ही ये क्रीम की वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे ना, तो हाई स्पीड पे कर लेना है। सो यहाँ पे देखिए एकदम स्टीफ पिक्स आ चुके हैं, मैं चेक भी करके दिखा रही हूँ कि बोल भी उल्टा करेंगे ना, तो ये हिलती नहीं है अपनी जगह से। तो इसे अब हम एक पाइपिंग बैग में फिल करेंगे और हमारा केक को असेंबल करना शुरू करेंगे।
तो उसके लिए मैंने ना यहाँ पे प्लेट ली हूँ, आप लोग केक बोर्ड भी ले सकते हो, उस पर हम थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे और हमारी फर्स्ट केक लेयर प्लेस कर देंगे और उसको ना शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लेंगे। शुगर सिरप के लिए मैंने थोड़ा सा पानी लेती हूँ और उसमें एक बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर ऐड करके इसे मिक्स कर लेती हूँ और हो गई हमारी शुगर सिरप रेडी। फिर उसके ऊपर मैंने ना एक व्हीपिंग क्रीम केक लेयर लगा ली। मैंने पाइपिंग बैग से ना क्यू लगाई क्योंकि इससे बहुत ईजी लगता है और इसे हम स्प्रेड कर लेंगे पूरे लेयर पे। सो अब मैंने यहाँ पे ना वाइट चॉकलेट चिप्स ली हूँ, मैंने ये होममेड बनाई थी, घर पे ही बनाई थी, होममेड है। सो इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे, आप लोग के पास नहीं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो और फिर इसे ये स्पैचुला से प्रेस कर देंगे ताकि वो सेट हो जाए अंदर क्रीम में और लेयर भी एकदम इवन प्लेस हुए ऊपर वाली। सो ये मैंने सेकंड लेयर प्लेस करके ना साइड में ना थोड़े से स्पेस बच रही थी क्योंकि ऊपर का लेयर थोड़ा सा उठा हुआ था ना, मैंने उसको उल्टा करके लगाई थी। तो थोड़ा सा क्रीम लगा के मैंने इसे स्प्रेड कर दी ताकि ये एकदम प्लेन एकदम स्ट्रेट केक बन जाए और फिर मैंने इसको भी शुगर सिरप से मॉइस्ट कर ली ये वाली लेयर को और ऊपर से भी वापस से क्रीम लगा के मैंने पूरे केक को क्रीम से कवर कर ली। और मैंने यहाँ पे ना नीचे कार्डबोर्ड रख दी थी प्लेट के नीचे क्योंकि टर्न टेबल पर ना ऐसी प्लेट रखी थी ना, मैं रोटेट कर रही थी तो फिसल रही थी प्लेट, तो कभी केक ही गिर जाएगा। सो इसलिए ना मैंने नीचे कार्डबोर्ड रख दी ताकि ये फिसले ना, और सच्ची में नहीं फिसल रहा था। तो ये एक हैक हो गया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने पूरे केक को क्रीम से कवर कर ली हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन कोम टाइप लेते हैं ना स्क्रेपर्स, वो ली हूँ। उससे ना हम साइड के केक में ना डिज़ाइन बना लेंगे, ऐसी लाइनिंग लाइनिंग डिज़ाइन बन जाएगी। सो यहाँ पे देखिए ये रेडी हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे ली हूँ रेनबो स्प्रिंकल्स, आप लोग के पास जो भी है वो यूज़ कर सकते हो। और इससे ना हम साइड में बॉर्डर बना लेंगे केक के ऊपर, और पूरा मैंने ना बॉर्डर बनाई हूँ। आप लोग की मर्ज़ी के हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हो उसको, लेकिन ऐसा भी बहुत प्यारा लग रहा था। सो यहाँ पे देखिए पूरी बॉर्डर बन के हो चुके हैं स्प्रिंकल्स की रेडी। और अब मैंने यहाँ पे ली हूँ ये स्टार नोजल। स्टार नोजल से मैं एक एक स्वर्ल्स बना लूँगी, एक एक थोड़े से गैप में छोड़ के। यहाँ पे देखे मैंने ये एक स्वर्ल बनाई और स्वर्ल बनाने में बहुत ईजी है, पहले मुझे बहुत हार्ड लगता था। सो यहाँ पे देखे मैंने थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ के ये स्वर्ल्स बना ली। तो हम साइड में बॉर्डर पे भी एक ऐसी पैटर्न बना लेंगे ताकि और लुक उठ के आए। और अब मैंने वही सेम स्प्रिंकल लेके ना बीच में भी ऐसा थोड़ा सा फिल कर दी ताकि खाली खाली ना लगे। और ये हो गया हमारा केक रेडी, बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम पार्टी टाइप केक ही। आप लोग इसे पार्टी में बना सकते हो या तो फिर चाहे तो बर्थडे में भी बना सकते हो। और ये 150 में बन के रेडी हो चुका है, आप लोग को यकीन नहीं हो रहेगा, मुझे भी नहीं हुआ था। और बहुत प्रीटी लग रहा है। तो मैंने इसे थोड़ा सा फ्रिज में सेट होने रख दी थी कटने से पहले, और फिर फ्रिज में मैंने इसे ना 1 से 2 घंटे सेट होने रख दी थी। और फिर सेट हो जाएगा जब वो कम्प्लीटली, तो अब हम इसे कट कर लेंगे तो आप लोग को दिखने से ही मालूम पड़ेगा कि बहुत सॉफ्ट बना था। प्रीमिक्स से भी केक अच्छा ही बनता है। पहले मुझे लगा था कि प्रीमिक्स से केक अच्छा नहीं बन पाएगा, लेकिन बेकरी में भी उन लोग यही यूज़ करते ना, थोड़ी ना लोग अंडे या तो फिर दही दूध से बनाते होंगे और पूरा बेक करते होंगे। सो यहाँ पे देखे मैंने पीस एक निकाल के आप लोग को दिखाती हूँ। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये डेकोरेशन कैसा लगा, एकदम कलरफुल केक था, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को भी। आप लोग भी ये डेकोरेशन ज़रूर ट्राई करना। और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। और मुझे ज़रूर बताना कि डेकोरेशन कैसा लगा, बहुत सॉफ्ट बना था ये केक, मुझे बहुत अच्छा लगा था और इट्स माय वन ऑफ द फेवरेट केक एंड डेकोरेशन। और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।